I had remembered that. मुझे वो याद था. But I had waited a long time to go there. पर मैंने बहुत इंतजार किया उस जगह वापस जाने के लिए. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. जब हम लोगों को वो वॉर बंद हो गया था, हम लोग फ्री हो गए थे, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उस जो सामान रखा हुआ है उसके बारे में भी कुछ इंटरेस्ट दिखाऊं. Well, naturally, I was also rather afraid of it. साथ साथ मुझे जो है एक थोड़ा डर भी था. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. इस बात का डर था कि मुझे मेरा उन चीजों से सामना होगा जिनका मेरे साथ कभी कोई कनेक्शन था जो कि आज नहीं है. Which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. वो चीजें थी जो कवर में छिपी हुई थी, बॉक्सेस में रखी हुई थी और सिर्फ इंतजार कर रही थी, अकेले खाली इंतजार ही कर रही थी ताकि वो उन जगह पे दोबारा जिस प्लेसेस पे वो रखी गई थी या जिस प्लेसेस पे उनको होना था वो वहाँ वापस रख दी जाए. विच हैज एंड्योर्ड ऑल दोस इयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स. और वो जो है इतने साल लग गए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चीजें थी. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मॉरल नो मोर नॉर्मल अगेन. धीरे धीरे सब चीजें दोबारा नॉर्मल होने लगे. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened. A room with a view you were more used to be glancing at each day. अब bread जो है उसका color जो है वो हल्का होने लग गया था. अब आप बिना किसी डर के, बिना किसी खतरे के जो है आप एक bed पे सो सकते थे. एक ऐसा कमरा जिसका जो view था वो अब और ज्यादा देखने वाला हो रहा था हर दिन. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that residence. एक दिन मेरे को ऐसा लगा, मेरे को अचानक से उत्सुकता बढ़ी कि मेरी वो सारी चीजें शायद उस एड्रेस पे हों. I wanted to see them, touch and remember. मैं उन चीजों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और याद करना चाहती थी. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. मेरी पहली जो कोशिश थी Mrs. Darling's house के घर, वो तो बेकार गई. पर दूसरी बार मैं फिर ट्राई करना चाहती थी. Now a girl about 15 opened the door to me. अब जब मैं उनके घर पहुंची तो 15 साल की लड़की ने मेरे सामने दरवाजा खोला. I asked her if her mother was at home. तो मैंने पूछा कि आपकी मदर जो है वो घर पे हैं? No, she said, my mother's doing an errand. नहीं, मेरी मदर जो है किसी छोटी ट्रिप पे गई हुई है. No matter, I said, I will wait for her. मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लेती हूँ. उस लड़की का मतलब ये था कि वो पास में कहीं कोई चीज देने गई हुई, अभी आती होंगी. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी. I followed the girl along the passage. फिर मैंने उस लड़की के पीछे पीछे उस पैसेज तक गई. An old fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to the mirror. एक बहुत ही पुराना लोहे का हनुका कैंडल होल्डर जो होता है वो मिरर के बगल में टंगा था. He never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. हमने उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वो बहुत भारी था और उसके मुकाबले एक सिंगल सी कैंडल स्टिक वो ज्यादा अच्छा ही रहती थी यूज करने में. Won't you sit down, asked the girl. आप बैठिए, लड़की ने कहा. She held open the door of the living room and I went inside past her. मैं जो हूँ, उस लड़की ने दरवाजा खोल दिया मेरे लिए लिविंग रूम का और मैं जो हूँ अंदर उसके थ्रू चली गई. I stopped horrified. मैं एकदम से रुक गई, थोड़ी सी डरी हुई. I was in a room I knew and did not know. मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी और मुझे पता नहीं था. I found myself in the midst of the things I did want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere. मैंने अपने आप को एक ऐसी जगह पाया, उन चीजों के बीच में पाया जो मैं दोबारा देखने की इच्छा रख रही थी, पर उस अजीब से एटमॉस्फेयर में मुझे वो चीजें बड़ी अजीब सी लग रही थी. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, because of the ugly furniture or the muggy smell or that hung there. अब क्योंकि जिस तरीके से वो चीजें वहां पर रखी हुई थी, ना तो वो properly arranged थी, बड़ा खराब सा furniture था वहां पे, smell जो है वो बहुत अजीब सी आ रही थी जो वहां टंगी हुई थी. I don't know, but I scarcely dared to look around me. मेरे को पता नहीं, पर मैं जो हूँ बहुत हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अपने चारों तरफ देख सकूं. The girl moved the chair. तभी उस लड़की ने जो है चेयर खिसकाई. I sat down and stared at the woolen tablecloth. मैं बैठ गई और मैं फिर जो woolen tablecloth था उसको देखने लग गई. I rubbed it. मैंने उसे थोड़ा रब किया. My fingers grew warm from rubbing. उसको रगड़ने से मेरी जो fingers थी वो गर्म हो गई. I followed the lines of the pattern. फिर मैं जो है अपनी उंगलियां उसके pattern पे जो lines बनी थी उस पर चलाने लग गई.
Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. कहीं किनारे पर एक जला हुआ मार्क था जिसको कभी ठीक नहीं किया गया था. My mother, I will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? मेरी मदर जो है बस वापस ही आती होंगी, लड़की ने कहा. मैंने ऑलरेडी उनके लिए चाय बना दी है, आप क्या लेंगी? थैंक यू, मैंने थैंक यू कहा. I looked up, फिर मैंने ऊपर देखा. The girl put cups ready on the tea table. जो लड़की थी उसने जो है टी टेबल पे कप्स लगा दिए. She had a broad back. उसके एक जो पीछे का पोर्शन था यानी पीठ का पोर्शन था वो काफी चौड़ा था, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल अपने मदर जैसे. She poured tea from the white pot. फिर उसने एक सफेद केतली से चाय पलटी. All it was had was a gold border on the lid. जो चाय की केतली थी उस पर जो है गोल्ड बॉर्डर था लिड के ऊपर. I remembered. मेरे को याद आया. She opened a box and took some spoons out. फिर उसने एक बॉक्स खोला, उसमें से जो है कुछ चम्मचें बाहर निकाली. That's a nice box. I heard my own voice. ये बॉक्स बड़ा प्यारा है, मुझे अपनी ही आवाज सुनाई दी. It was a strange voice. थोड़ी सी अजीब सी आवाज थी, as though each sound was different in this room. जैसे हर साउंड जो है रूम में अलग सी थी. Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. अरे आप इसके बारे में जानती हैं? वो घूमी और फिर मेरे लिए उसने चाय लाके दी. She laughed, फिर हंसने लगी. My mother says it is antique. मेरी माँ कहती हैं कि ये antique है. We have got lots more. मैं ऐसे बहुत सारे हैं. She pointed round the room. See for yourself. फिर उन्होंने पूरे कमरे की तरफ इशारा करके देखा, बोला कि अब इसको इनको देखो. I had no need to follow her hand. I knew which thing she meant. मेरे को कोई जरूरत नहीं थी कि मैं उसके हाथ की तरफ देखती और उसके हाथ कहाँ कहाँ घूम रहा है उस साइड देखती, क्योंकि मुझे पता था कि कौन कौन सी चीजों की वो बात कर रही है. I just looked at the still life over the tea table. मुझे एक ऐसी टी टेबल के ऊपर रुकी हुई जिंदगी दिखी. As a child, I always fancied the apple on the pewter plate. जब भी मैं बच्ची थी तब मेरे को ये जो प्यूटर प्लेट होती है इसके ऊपर जो एप्पल रखा रहता था मुझे वो बहुत अच्छा लगता था. We used it for everything, she said. हम इसका हर चीज के लिए इस्तेमाल करते थे. Once we ate off the plates hanging there on the wall. एक बार हमने उन प्लेट्स में खाया जो वॉल पे टंगी हुई हैं. I wanted to so much, but it wasn't anything special. मैं बहुत कुछ करना चाहती थी पर कुछ भी खास नहीं था. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. अब मेरे को तभी टेबल क्लॉथ पे वो जले हुआ मार्क दिख गया. फिर वो जो लड़की थी वो मेरी तरफ एक सवालिया नजर से देखने लगी. Yes, I said. You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. मैंने कहा हाँ, तुम इन चीजों को, इतनी अच्छी चीजों को तुम्हारे घर में छूने की इतनी आदी हो गई हो कि तुम कभी hardly उनकी तरफ देखती हो. You only notice when something is missing. तुम तभी देखती हो जब उनमें से कोई चीज मिस हो रही होती है. Because it has to be repaired or because you have lent it, for example. या तो तुम्हें इसको रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि तुमने इसको लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माय वॉइस एंड आई वेंट ऑन. तभी मुझे फिर अपनी एक अलग सी आवाज जो है वो सुनाई दी और फिर मैं आगे बढ़ी. आई रिमेम्बर माय मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. मुझे याद आया कि एक बार मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि क्या तुम मुझे जो है सिल्वर को पॉलिश करने में मदद करोगी. It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill as she had never asked me before. ये बहुत समय पहले की बात हो गई और शायद मैं उस दिन जो हूँ घर में बहुत बोर हो रही थी क्योंकि मुझे घर में रुकना पड़ रहा था, मैं बीमार थी और उन्होंने तो मुझसे ऐसे पहले कभी नहीं पूछा था. I asked her which silver she meant and she replied surprised that it was the spoons, forks, knives of course. अब मैंने उनसे पूछा कौन सी सिल्वर, तो उनका मतलब ये था कि कौन सी सिल्वर मुझे पॉलिश करने कह रही है. तो उनकी मदर ने बोला सरप्राइजिंगली अरे वो जो स्पून्स हैं, फॉक्स हैं, नाइव्स हैं उनको पॉलिश करना है. एंड दैट वाज अ स्ट्रेंज थिंग, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरीडे वाज सिल्वर. और वो मेरे लिए बड़ी ताजुब की बात थी क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि जिस कटलरी में हम डेली खाते हैं वो चांदी की है. द गर्ल लाफ्ड अगेन, और वो लड़की फिर हंसने लगी. आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर. आई लुक इंटेंटली एट हर. तो मैंने जो है उसकी तरफ देखा तो मैंने कहा मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ तुम्हें खुद को नहीं पता होगा. What we eat with, she asked. हम किसमें खाते हैं, हम किससे खाते हैं, इसने पूछा. Well, do you know, तुम्हें क्या पता है? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I looked
इट्स इन हियर। वो थोड़ा सा हड़बड़ाई, फिर वो जो है साइडबोर्ड की तरफ गई और उसने एक ड्रॉअर को खोला। मैं उसमें देखूं उसके अंदर देखो क्या है। आई जंप्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। तभी मैं जो हूँ एकदम से खड़ी हो गई, मेरे समय बिल्कुल याद ही नहीं रहा था कि मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। उसका हाथ जो है अभी भी ड्रॉअर पे ही था। उसने कहा कि क्या आप मेरी मदर का इंतजार नहीं करना चाहेंगी। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो है जाना ही होगा, और मैं जो हूँ डोर की तरफ चल दी। तो गर्ल ने जो है वो ड्रॉअर का जो है दरवाजा खोला, जो ड्रॉअर थी उसको खोला। तो मैंने कहा नहीं, मैं जो हूँ अपना रास्ता खुद ढूंढूंगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। जैसे ही मैं पैसेज की तरफ से निकल रही थी तभी मुझे जो है चम्मचों के और फॉक्स के खनकने की आवाज सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड। जब मैं कॉर्नर पे थी रोड के तो मैंने ऊपर देखा नेम प्लेट पे, तो वहां मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 पर ही थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, ये एड्रेस बिल्कुल करेक्ट था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेम्बर इट एनी मोर, पर अब मैं उसे बिल्कुल भी याद करना नहीं चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉस्ट देयर वैल्यू व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अब दोबारा फिर नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स जो तुम्हारी यादों से जुड़े होते हैं, एक समय में तुम्हारे लिए बहुत जानी पहचानी चीजें होती हैं, अचानक से उनकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है तुम्हारे लिए। जिस तरह से वो तुम्हें सर्व किए जाते हैं या तुम्हें दोबारा देखते हो एक अलग से ही एटमॉस्फेयर में। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक और पेपर स्टिंक अलोंग द विंडोज एंड नो मोर हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर। और मैं फिर अब जो है उन चीजों का करूंगी कि भी क्या, क्योंकि मैं एक छोटे से रेंट के रूम में रहती हूँ जहाँ पर जो ब्लैकआउट पेपर होता है वो अभी भी खिड़कियों के ऊपर टंगे हुए हैं, और जो मेरे पास एक छोटी सी टेबल का ड्रॉअर है उसमें बहुत थोड़ी सी ही कटलरी फिट हो सकती है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और उन सारी चीजों को भी भूल जाऊंगी, दैट वुड बी द ईजीएस्ट। मतलब पुरानी चीजों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, अब वो किसी और चीज कोई और इस्तेमाल कर रहा है, और जब आप उन्हीं चीजों को दोबारा फिर से देखते हो तो वो चीजें आपको अपनी सी नहीं लगती हैं। तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि ज्यादा अच्छा है कि मैं इन चीजों को भूल जाऊं, वो मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो ये थी हमारी स्टोरी, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।